वृंदावन धाम में निधिवन राज निज महल यानी निधिवन की तरफ अब हम जा रहे हैं। यह निधिवन का रास्ता मुख्य द्वार। तो यह वो निधिवन जिसमें प्रभु कृष्ण जी ने गोपियों के संग विभिन्न क्रीड़ाएँ की थी। निधिवन देख सकते हैं ये। नृत्य रात्रि के समय भी यहाँ पर भी अभी भी आवाज़ें आती हैं। इस वन में ही भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों संग नृत्य करते थे। देख सकती हैं आप पेड़ पौधे जो ये वन है इसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, इस कारण से ये बांस का एक रास्ता जंगला टाइप के अंदर लगा दिए गए। आप देखें ये हिंगम रास्ता भगवान श्री कृष्ण जी का क्रीड़ा स्थल जंगल, यहाँ पर रास लीला करते थे। ये आप इसको वृक्ष को ये वृक्ष देख सकते हैं। ये वो वृक्ष जहाँ पर श्री कृष्ण जी भगवान गोपियों संग रास लीला किया करते हैं। सब साइड में तो नहीं जाए। कौन सा इंद्रजी? बोलो वृंदावन हरी लाल की जय। ये है ललिता कुंड जिसमें भगवान रासलीला करते थे। गोपियों को प्यास लगी, उनको पानी पिलाई। भगवान बोले रात्रि का समय पानी कहाँ से पिलाऊं? गोपियाँ बोली अब तो सामर्थ्यवान है, श्रद्धावान है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पानी नहीं पिलाया तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान जी बंसी बजाते थे, बंसी से खोद के पानी पिलाया। पहले कच्चा बना हुआ था, आप जैसे भक्तों ने पक्का कर दिया। राधा रानी को बेस्ट फ्रेंड ही ललिता सखी, उनके नाम पर कुंड का नाम हुआ ललिता कुंड। बरसात के समय पूरा बनता है, ढलान है, ऊपर तक भर जाता है 40 सीटी के बाद 100 सीटी ढहरा हुआ है। तो भगवान ने बंसी से बनाया था। बोलो श्री नमस्कार लाल की ताली बजाकर हंस लो। चलिए आइए। हमारे इसी यात्रा के दौरान हमारे सडौरा से एसएचओ रहे हमारे बलबीर सिंह जी भी से मुलाकात भी हम लोग। बलबीर सिंह जी स्वागत है जी, राधे राधे बोलिए जी। जी राधे राधे। वाह जी वाह जी वाह जी, आपको बहुत याद करते हैं सडौरा वाले जी। वाह राधे राधे। बलबीर सिंह जी बहुत अच्छा कार्यकाल सडौरे में करेंगे, यहाँ पर बहुत धार्मिक व्यक्ति। आज यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई हमारी वृंदावन में। अब देखिए परिक्रमा देखेंगी क्या जैसे हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है निधिवन में। मधु जी कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत बढ़िया लग रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है जी। बोलते रहिए, इतना आनंद आ रहा है पूछो मत। वाह जी वाह। आगे आगे बड़े बड़े आगे करा जी, छोटे आगे नहीं करते। वाह जी वाह। राधे राधे का स्वागत किया यहाँ पर निधिवन में। ये देख स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बैठा करते थे, जंगल का स्थान, वन का वह स्थान। ये देखिए निधिवन। कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर रात्रि के समय रासलीला की आवाज़ें आती हैं। ये देखिए मन्नत मांगते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। निधिवन का ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं।
आप सभी के अच्छे स्वस्थ कुशल मंगल जीवन की हम यहाँ पर कामना कर रहे हैं। ये है जंगल, देख सकते हैं आप, कैमरा थोड़ा अंदर करके दिखा सकते हैं आपको। दिनों में भगवान श्री कृष्ण जी रास लीला किया करते हैं। निधि वन में आप देख सकते हैं कि दृश्य है। निधि आराम से कर लो, चला भैया चला, अरे बड़क चला अम्मा, बढ़ाओ इधर लग गए पीछे, तुम इधर से बढ़ जाओ, ऐसे हो जाए, चले हट जाओ ऐसे बोलो, अगर तो बहन थोड़ा सा थोड़ा लोग इस वन की मिट्टी को अपने घर ले जाते हैं, इकट्ठा करके ले जाते हैं, देख सकते हैं जंगल का दुर्गम दृश्य आप देखिए। निधि वन इस क्षेत्र में ये पेड़ काफी नजदीक से आप देखेंगे, ये देखिए निधि वन की कुछ पेड़ इस बाउंड्री के अंदर ही है, सेल्फी ले रहे हैं लोग इनके साथ। खड़ो बेटे खड़े जा रहा है, हेलो। निधि वन से स्टेट न्यूज 71।